आज की इस वीडियो में मैं आपको रेल टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। 2023 में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाला है। अगर आप रेल टिकट बुक करना नहीं जानते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करें एंड तक। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। रेल टिकट बुक करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है IRCTC रेल कनेक्ट। जैसा कि अभी मैं आपको प्ले स्टोर पर यहाँ पर एक एप्लीकेशन को दिखा रहा हूँ, इस एप्लीकेशन को आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लेने के बाद में इसको सिंपली आपको ओपन करना है। एप्लीकेशन में आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होता है, तो पहले आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, देन उसके बाद में ही आप जाकर के इसमें टिकट बुक कर पाएंगे। तो दोस्तों पहले आपको इसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके बाद में आपको ट्रेन का एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ ऊपर देखने के लिए, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे दोबारा से आपको बुक टिकट का फिर ऑप्शन उसी जगह पर मिलेगा, आपको उसी के ऊपर क्लिक करना है। देन उसके बाद में आपको फ्रॉम और टू वाले सेक्शन में आना है, आपको कहां से और कहां तक आपको जाना है स्टेशन का नेम यहां पर सर्च करना है, देन उसके बाद में उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको क्लास वाले सेक्शन में आना है। आप अगर चाहें तो यहां पर स्टेप बाय स्टेप करके एक एक क्लास को आप देख सकते हैं। आप कौन सी क्लास में टिकट बुक करना चाहते हैं पार्टिकुलर चाहे आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ऑल क्लास पर रहने देंगे इसको। उसके बाद में आपको यहाँ पर कोटा जनरल हुआ या फिर आपको लेडीज तत्काल कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अपने मुताबिक अगर आप उसमें तत्काल बुक कर रहे हैं तो तत्काल को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप जनरल बुक कर रहे हैं यानी कि कभी भी किसी टाइम पर आप बुक कर रहे हैं तो इसको सिंपली आपको कोटा में जनरल ही रहने देना है। डिपार्चर डेट का ऑप्शन मिलेगा, आपको किस डेट को जाना है उस डेट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको सर्च ट्रेन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रेन की लिस्ट आ जाती है। यहाँ पर आपको वन बाय वन करके चेक करना है कि जिस डेट को आप जाना चाहते हैं उस डेट को कौन सी ट्रेन अवेलेबल है, सीट वगैरह इसमें कौन सी खाली है। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर जाना है नीचे वाले दिल्ली ACY यहाँ पर जो 14206 का है, तो यहाँ पर मैं स्लीपर वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। देन उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि कौन सी सीट खाली है। तो जैसा कि आप अभी यहां पर देख पाएंगे कि यहां पर ट्यूसडे 16 मई को यहां पर खाली है टिकट, तो मैं सिंपली 16 मई वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं क्योंकि मैं 15 तारीख को जाने वाला था लेकिन 15 को यहां पर बुक हो चुकी है। यहां पर टिकट RAC में चल रहा है तो मैं सिंपली 16 वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूं। देन उसके बाद में आपको यहां पर उसका जो फेयर है यानी जो उसका किराया है वो आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। देन उसके बाद में आपको पैसेंजर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पैसेंजर डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पूरा प्रीव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। आप किस स्टेशन से जाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, कौन सी डेट रहेगी, कौन सा दिन रहेगा, कितनी सीट अवेलेबल है, वो सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद में अगर आप चाहें तो जो बोर्डिंग स्टेशन है यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं। बोर्डिंग स्टेशन का मतलब होता है आप कौन से स्टेशन से ट्रेन में बैठने वाले हैं, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में यहाँ पर सिलेक्ट पैसेंजर का ऑप्शन मिलेगा, ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर कुछ भी आपको नेम देना है, जो भी जो आदमी यहाँ पर जाना चाहता है, जो व्यक्ति यहाँ पर जाएगा उसका नेम देना है और उसका जो भी एज होगा वो एज आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। देन उसके बाद में नीचे आपको ऐड पैसेंजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस प्रकार से आप यहां पर और भी नए पैसेंजर को ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके। अगर आप पहले से ही मास्टर लिस्ट में इसमें जो नाम है, जो पैसेंजर जाना चाहता है यात्रा करना चाहता है उसका नाम अगर आप ऑलरेडी इसमें ऐड करके रखे हुए हैं तो आपको ऐड एग्जिस्टिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और उसकी लिस्ट आ जाएगी, आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में आपको नीचे अदर प्रेफरेंस का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको दोनों वाले ऑप्शन पर यहाँ पर दो बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, कंसाइडर और बुक ओनली, इन दोनों पर आपको टिक करना है। देन उसके बाद में नीचे से आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करना है इस प्रकार से और यहाँ पर पे थ्रो क्रेडिट डेबिट कार्ड या फिर पे थ्रो UPI से आप किस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद में ट्रैवल इंश्योरेंस पर आपको यस वाले ऑप्शन पर रहने देना है। उसके बाद में रिव्यू जर्नी डिटेल्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिव्यू जर्नी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर आपको जैसा कैप्चा दिया गया है सेम उसी प्रकार से आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको प्रोसीड टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मेक ए पेमेंट का ऑप्शन आता है, आप किस मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अपने मेथड को सिलेक्ट कर लेना। तो मैं पे यू वीजा वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। देन उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से डायरेक्टली फ़ोनपे या फिर पेटीएम वगैरह से पेमेंट भी कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको पे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। कितना चार्ज आपसे लिया जाएगा वो आपको यहाँ पर सामने दिखाया जा रहा है।
उसके बाद मैं आपको डेबिट या क्रेडिट जिस माध्यम से आप करना चाहते हैं, तो जैसा कि मैं डेबिट कार्ड से करना चाहता हूं, तो सिंपली मुझे यहां पर कार्ड का डिटेल्स फिल करना है, उसके बाद में पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओटीपी फिल करने के बाद में आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। दोस्तों आप यहां पर देखेंगे ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल का हमारे सामने मैसेज आ चुका है, प्रोसेसिंग में है अभी। यहां पर आप देख सकते हैं टिकट बुक कंप्लीट हो चुका है, बुकिंग डिटेल्स यहां पर हमारे सामने आ चुका है। उसके बाद में आप यहां पर देखेंगे कि यहां पर जो भी टिकट बुक किया गया था वो कंफर्म बुक हो चुका है, पीएनआर नंबर भी हमारे सामने आ चुका है। यहां पर मैसेज में भी मुझे बताया जा रहा है कि आपका क्या पीएनआर नंबर है, क्या गाड़ी नंबर है, सब कुछ हमारे सामने आ चुका है, और जो कोच वगैरह है सब कुछ यहां पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरह से ट्रेन टिकट को बुक किया जाएगा, पेमेंट भी करके मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में शेयर भी करें, और अगर आप चैनल पर नए आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर अब भी आपके मन में कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।